करारे चिकन के पकौड़े आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसानी से। उसी के साथ साथ एक मैं स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज करने वाली हूँ जिससे ये पकौड़े और भी ज्यादा क्रिस्पी होने वाले हैं। और कम से कम तेल में हम ये चिकन के पकौड़े कैसे फ्राई कर सकते हैं ये भी मैं आज आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं नीलम और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सीजन इन टेम्पो विद नीलम अब हिंदी में, जहां हम बनाते हैं आपको पता ही है बहुत ही आसान लेकिन स्वादिष्ट रेसिपीज। तो चलिए बारिश का मजा लेते हैं इन गर्मा गर्म चिकन पकौड़ों के साथ। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं चिकन को मैरिनेट। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में लिए हैं आधा किलो बोनलेस चिकन। अब इसके जो पीसेस है ना वो आप अपने पसंद से छोटे या बड़े कर सकते हैं। मैंने एकदम छोटे मीडियम साइज के करे हैं और उसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे आप कश्मीरी लाल भी डाल सकते हो या फिर जो तीखा लाल होता है थोड़ा स्पाइसी वो भी डाल सकते हो। स्पाइस आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। नमक डालना है स्वाद अनुसार, तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्नैपिन का क्रंची गार्लिक पाउडर, वो मैं 1 बड़ा चम्मच डालूंगी। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक को भी क्रश करके डाल सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच डाल दीजिए। ओरिगैनो डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्स मिलेंगे हमारे पकौड़ों को। इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। इस मैरिनेशन में एक इंग्रेडिएंट हमारा रह गया है, वो है नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े नींबू का पूरा रस यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप 1 चम्मच चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं एक बढ़िया सा टैंगी फ्लेवर लाने के लिए। एक बार मिला लेते हैं सारी चीज़ों को और हमारा चिकन मैरिनेशन एकदम रेडी है। अब इस मैरिनेटेड चिकन को हमें फ्रिज के अंदर रखना है कम से कम 1.5 से 1 घंटे के लिए, या फिर आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं, बस ली लगा के रख दीजिए। चिकन के क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए चले बनाते हैं एक बैटर। अब ये बैटर आपको तभी बनाना है इंस्टेंटली जब भी आप पकौड़े फ्राई करना चाहते हो। इस बैटर को हमें बना के बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो बोल में हम ले लेंगे 1 कप मैदा। अब मैदा डाल रहे हैं तो थोड़ा सा अनहेल्दी साइड में जाएगा, तो चलिए इसे हेल्दी बनाने के लिए डालेंगे 1/2 कप ओट्स। तो ओट्स की मैंने यहाँ पे पाउडर नहीं ली है, डायरेक्टली ओट्स हम इसमें डाल देंगे। वैसे घर पे बनी सारी चीज़ें हेल्दी होती है, जैसे हम बाहर का समोसा जो खाते हैं और घर पे मैदे का बना जो समोसा खाते हैं उसमें मैदे का घर का बना समोसा हेल्दी ही होता है। बस बहुत ज्ञान हो गया। चलिए अब इसमें हम डालेंगे सीजनिंग्स। तो सीजनिंग के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मिर्ची पाउडर ली है, उसी में अगेन हम यहाँ पे डालेंगे गार्लिक पाउडर। नहीं है गार्लिक पाउडर, क्रश करके आप अपना फ्रेश गार्लिक इसमें डाल सकते हो। ओरिगैनो डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच, उसी में हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 चम्मच, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि जो बैटर भी बनाते हैं ऊपर का कोटिंग उसमें भी सीजनिंग बढ़िया सी होनी ज़रूरी है। बाकी कुछ भी ना डाले और नमक भी डाल दे तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चलिए सारी चीज़ों को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। इसमें ना मैं एक इन्ग्रीडियंट भूल गई हूँ जो है कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर हम डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हो 2 बड़े चम्मच। एक बार मिला लेते हैं सारी चीज़ों को और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा, वो अभी नहीं डालना है, इंस्टेंटली डालना है जब भी हम पकौड़े फ्राई करना चाहते हैं। तो साइड में पैन गरम कर लेते हैं, पैन कढ़ाई नहीं, और पैन में हम डालेंगे 1 से 2 कप तेल। तेल को हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छा खासा गरम करना है। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है चलिए बैटर बना लेते हैं। सूखे बैटर में अब हम डालेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ किनली का सोडा। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश बॉटल खरीदनी है। और जैसे ही आप ढक्कन निकालेंगे आप देखिए बबल्स इतने बढ़िया आते हैं, इसी से हमारे जो चिकन के पकौड़े हैं एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो पानी की जगह पे हम यहाँ पे हमारा जो बैटर बनाने वाले हैं वो पूरा सोडा यूज़ करके बनाने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें इंस्टेंटली ये बनाना है, क्योंकि ये जो बबल्स है ना वही काम करेंगे हमारे चिकन के पीसेस को एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी फ्लेवर लाने के लिए। अब बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इतनी रखनी है कि हमारे जो चिकन के पीसेस हैं ना वो एकदम बढ़िया से चारों साइड से कोट हो जाएंगे बैटर में। उस हिसाब से आप सोडा धीरे धीरे करके डाल दीजिए। तेल हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है, अब एक एक पीस बैटर में कोट करके हमें तेल में डाल देने हैं।
अब यहाँ पे पकौड़े फ्राई करने के लिए मैंने पैन यूज किया है, जिससे हमारे पकौड़े जल्दी भी फ्राई हो जाएंगे, कम से कम तेल में फ्राई होंगे, क्योंकि नॉर्मली जो नॉनवेज की रेसिपीज होती है, चिकन हो या फिर एग डाल के जो भी हम रेसिपीज फ्राई करने के लिए यूज करते हैं, तो उसके बाद जो बचा हुआ तेल है ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी चीज में डालने के लिए। तो आप जितना हो सके कम तेल में इसे फ्राई करने की कोशिश कीजिए। तो ये पैन में आप देखिए बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। गैस की फ्लेम है जो हमें मीडियम पे रखनी है। स्लो अगर रखेंगे तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे पकौड़े, और हाई पे रखेंगे तो शायद जल्दी फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर का जो चिकन है ना वो अच्छे से कुक नहीं होगा। इसलिए मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के इंटरवल में हमें चिकन के पीसेस को चम्मच से पलटी करना है, और 10 से 15 मिनट में हमारी ये चिकन की बैच जो है पकौड़ों की वो बन जाती है। आप देखिए तेल हमने बहुत ही कम यूज़ किया है और हमारे ये क्रिस्पी करारे चिकन के पकौड़े बनने ही वाले हैं। ऐसे ही क्विक एंड इजी या डिलीशियस रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेसिपी के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए, और उसी के बाजू में जो बेल आइकन है अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएगा। बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद हम पकौड़ों को निकाल लेंगे। अब ये निकालना है ना, तो आइदर आप तवे पे रखिए, जिससे साइड में आप पकौड़ों को सेट करेंगे तो वो तेल पूरा अंदर निकल जाएगा, या फिर आप छन्नी में डाल दीजिए जिससे तेल पूरा नीचे एक प्लेट रख के उस पर ड्रिप हो जाएगा। टिश्यू पेपर पे डालेंगे तो वो क्या होता है, वो टिश्यू पेपर अगर पतला ज़्यादा होगा तो वो सारा जो टिश्यू पेपर है गरम गरम पकौड़ों को चिपक सकता है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है निकालना। इसीलिए ये मेथड दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। बस बाकी की बैच भी हमें फ्राई करनी है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो नॉनवेज की कोई भी रेसिपी बनाते हैं, फर्स्ट बैच तो अच्छे खासे निकल आती है, सेकेंड बैच में आप देखिए बहुत ज़्यादा झाग आता है। ये चिकन की खासियत है, अब चिकन अपना भी ऑयल रिलीज़ करता है, तो इसीलिए हमने ये पैन में बनाए हैं। कढ़ाई में ज़्यादा तेल लगेगा, वो तेल बाद में यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। इसीलिए आप यहाँ देखिए सारी जो हमारे पकौड़े हैं आधा किलो के, मैं बस इसी तेल में फ्राई करने वाली हूँ। जैसे जैसे हमारे पकौड़े पकने लगते हैं, वो जो झाग है आप देखिए एकदम कम होते जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप देखिए ये पूरा हट चुका है और हमारे क्रिस्पी चिकन पकौड़े एकदम रेडी है। गर्मा गर्म पकौड़ों को हमें सर्व करना है। आप चाहे तो हरी चटनी लीजिए, या फिर यहाँ पे मैंने सेजवान चटनी यूज़ की है उसके साथ आप खाइए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। बारिश का सीज़न है तो ये तो बनने ही चाहिए, और हाँ श्रावण मंथ आ रहा है, मेनली 10 दिन ही बचे हैं तो ये एक बार बना ही लीजिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और हाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अब ये चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ, ये है मेरी चिकन पकौड़ों की लास्ट बैच, और पकौड़े निकालने के बाद आप देखिए नीचे तेल कितना बचा है, हार्डली 1 से 2 चम्मच तेल बचा है, जिसका यूज़ मैं अगले दिन ऑमलेट या फिर भुर्जी बनाने के लिए यूज़ करूँगी। यानी हमने बहुत ही कम तेल में हमारे चिकन पकौड़े फ्राई किए हैं, तो पैन में आप ज़रूर कीजिए इंस्टेड ऑफ कढ़ाई। क्या आपको मेरी ये रेसिपी आसान लगी? अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपको इस रेसिपी के बारे में या फिर मेरी किसी और रेसिपीज के बारे में कोई भी क्वेरीज हो, कोई सवाल पूछना हो, तो आप मुझे हिंदी, मराठी या फिर इंग्लिश, फिलहाल ये 3 लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।